हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों को इस प्यारा सा क्यूट सा चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग किरण मध्य 900 प्लस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज से हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। ठीक, इसका कंसेप्ट एक दिया है, इसके पहले वाला वीडियो देखिए, इसके बाद कंसेप्ट को आप पढ़ लीजिए उसको। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, टाइप नंबर 1। ठीक है, चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिन कक्षाओं को विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपका विद्यार्थियों का अनुपात दिया है, इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए। 40 विद्यार्थी तो कह रहे हैं कि अब तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा, जब स्टूडेंट बढ़ेगा तो उसका रेशियो नहीं बढ़ेगा। तो कितना हो गया, 4:5:7 हो गया। तो कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन 1 कह रहा है कि पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। इसका रेशियो दिया है 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, अब बताइए कि ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है, इसको बनाना है ना। तो देखिए इसको इस तरह से नहीं सेट करेंगे हम, अपने तरीके से सेट करेंगे, जिस तरीके से बना रहे हैं। तो देखिए आपको केवल बताया गया कि ये ए बी सी है, तीनों का रेशियो यहाँ से दिया हुआ है कि तीनों का रेशियो यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, इनका रेशियो फिर कितना दिया है, 3:2:3:5। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पहले इनका रेशियो था 2:3:5, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि हर प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए तो उनका रेशियो कितना हो जा रहा है। अब रेशियो उनका लड़के पढ़ने से रेशियो क्या हो जा रहा है, 4:5:4। जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगा, रेशियो का अपेक्षा स्टूडेंट का अपेक्षा क्या करेगा, रेशियो बढ़ेगा। तो अब बताइए कि कितना, पहले 2 स्टूडेंट थे ए में, आज कितना स्टूडेंट हो गया, रेशियो 4 हो गया। पहले बी में कितना रेशियो था, 3 आज 5 हो गया। अब पहले सी में कितना रेशियो था, 5 था ना, अब कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें 2 भी बढ़ा, इसमें 2 रेशियो बढ़ा, इसमें 2, तो कितना बढ़ा भाई रेशियो, 2। और 2 में कितना स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट बढ़ाया है, वही 40 स्टूडेंट बढ़ाया था। तो यहाँ से 2 में 40, तो 1 में कितना, 20। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट बताइए, तो इसमें कितना स्टूडेंट हो जाए, पहले जो टोटल स्टूडेंट है उसी को पता करना है। तो 1 में कितना, 1 झोरा में 20 आम, तो 20 दूनी के 1 के पास कितना झोरा है, 2 आम, 2 झोरा ना, तो 1 झोरा में 20 आम, तो 2 झोरा में कितना आम, 40 आम। अब बताइए कि बी का निकालेंगे, तो 1 झोरा में 20 आम, तो 20 की कितना आम, 60 आम। और 1 झोरा में 20 आम, तो सी के पास कितना झोरा है, 5 झोरा था, 20 बचे 100। अब कह रहे हैं कि इनका टोटल का योग बताइए, इनका टोटल का योग नहीं पता कर लीजिएगा, तो 40 और 20 60, 40 और 60 कितना 100, और 100 और 100 कितना 200, तो टोटल स्टूडेंट कितना 200। ठीक है, समझ में आया ना, देखिए कैसे बना रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन बोर्ड पे देख लीजिए, आपका स्क्रीन बोर्ड पे आपका क्वेश्चन आ गया, मेरा क्वेश्चन आपका नीचे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 कक्षा ओ के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी हो बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो बढ़ोतरी से पहले, मतलब कि बढ़ने से पहले जो रेशियो था उसका बताना है कि कुल विद्यार्थी, मतलब पहले बढ़ने से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए।
तो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहला विद्यार्थी, सेकंड विद्यार्थी और थर्ड विद्यार्थी, इनका पहले अनुपात कितना था? 2-3-5। यहाँ 2-3 था, 2-3 और 5। कह रहा है कि जैसे ही विद्यार्थी बढ़ाएंगे तो रेशियो बढ़ेगा, तो प्रत्येक प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, तो 20 विद्यार्थी बढ़ा तो 4, 5 और 7 हो गया। यहाँ से रेशियो 4 हो गया, यहाँ से रेशियो 5 हो गया, यहाँ से 7 हो गया। तो कह रहे हैं कि कितना भी बढ़ा दें, 20 स्टूडेंट बढ़ा दूंगा, रेशियो कितना बढ़ता है? रेशियो देखिए ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अगर कॉन्स्टेंट नहीं आता ना, इसको कॉन्स्टेंट करते हैं, ठीक है। एज जब बढ़ाए हैं उसमें तो देखिएगा कॉन्स्टेंट नहीं है, जब जब ये अंतर को कॉन्स्टेंट नहीं होता तो कैसे बनेगा? अंतर को कॉन्स्टेंट करने के लिए आप उसमें बताए, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा। 2 का अंतर है ना, 2 में कितना? 20, तो 1 में कितना हो जाएगा? 10। 2 छोरे में 20 आम, तो 1 छोरे में कितना? 10 आम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों, पहले वाले जब बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या 1 छोरे में 10 आम, तो 20 छोरा 1 कितना छोरा था? 2 छोरे 20, 10 तो निकल गया 20। अब बी के पास कितना छोरा हो जाएगा? 1 में 10 छोरा 10 आम, 1 छोरा 10 आम, तो 3 छोरा बी के पास करना, तो 10 ही है 3। और सी के निकाल देंगे तो यहाँ से, तो 1 छोरा में 10 आम, तो 5 छोरा में 10 बचे 50 आम। इसको जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़िएगा तो क्या निकल जाएगा टोटल विद्यार्थी? तो 50 P/5 कितना? 50 और 50 कितना? टोटल कितना विद्यार्थी? 100 स्टूडेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन विद्यार्थियों में से, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनंतर उन तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी वृद्धि होने से पहले विद्यार्थियों को, वही क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, सेकंड नंबर पर वही तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फिर इसको भी दे दिया जाए, नामकरण कर दिया जाए थर्ड नंबर में, कि फर्स्ट विद्यार्थी ए, सेकंड विद्यार्थी बी और थर्ड विद्यार्थी कौन सा है। आगे इसका रेशियो क्या है? 4:9। यहाँ से इसका 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में वृद्धि हो जाता है, तो कितना रेशियो हो जाता है? 7:9:12। यहाँ से 7 हो जा रहा है, इसके बाद 9 हो जा रहा है, इसके बाद 12 हो जा रहा है, ठीक है। 12 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में, इसमें भी 12 विद्यार्थी, इसमें भी, इसमें भी 12 बढ़ाए जाते हैं, रेशियो तो बढ़ेगा, पहले वाला रेशियो तो नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कितना रेशियो बढ़ रहा है? तो 4 3 7 6 3 9, अब 12 3 9 3 12, इसका मतलब कि 3 में कितना? 12, 3 जोड़ा में 12 होता है, तो 1 जोड़ा में कितना आएगा? आप ही ना बताइए कि 3 जोड़ा में 12 हो तो 1 जोड़ा में कितना? 4। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो विद्यार्थियों की संख्या कौन सा बढ़ा हुआ? वही जो पहले वाला, तो पहले वाला पूछ रहा है, तो यहाँ से पहले वाला निकालेंगे, 1 जोड़ा में 4 अंतर 16, 1 जोड़ा में 4 अंतर 6 का कितना? 24 अंतर 1 जोड़ा में 4 अंतर 9 का कितना? 36। तो इसको जोड़ दीजिए टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे? थोड़े कितना तैयार जरूरी, यहाँ से 16 ये 4 6 कितना? 10 हो गया, तो 0 हो गया। यहाँ से 24 और 16 कितना होता है? 40, 2 1 3 4 40 40 30 कितना? 40 30 कितना? 70 है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना? 76। ठीक है बंधु, तो देख लीजिए कैसे बना रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एक ही था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 12:23 हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात करें, तदनुसार वे संख्याएं क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब यहां से आइए कि फर्स्ट संख्या कितना था, फर्स्ट अनुपात कितना था? 3:5, यहाँ से 3:5 था, ठीक है। 2 संख्या है, पहले संख्या ये और सेकंड संख्या ये। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9-9 घटा दे, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 9-9 घटाते रहे तो कितना अनुपात हो रहा है? 12:23। तो जब घटा रहे हैं तो इसका जो भी डिफरेंट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी ना यहाँ से अंतर लेंगे।
जब अंतर पहुंचे रहेगा तभी ना एक ही का अंतर लेंगे। तो यहाँ से 12 यहाँ के 9 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का है, 9 का है डिफरेंट, यहाँ 18 का डिफरेंट है, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ 9 का है, यहाँ पे 18 का है, तो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे वाला में से एक जो पढ़ा है ना उसमें देखिएगा वीडियो, नीचे वाला में से बैलेंस करने के लिए नीचे वाला में से घटाएंगे 12 में से छोटा, तो 12 में से छोटा घटाएंगे तो कितना 11, तो 11 को क्या करेंगे ऊपर में गुना कर देंगे, और ऊपर वाला में से घटा कर नीचे में, ठीक है। अब गुना कीजिए 11 से कितना 33, और 11 का कितना 55, 12 दूनी कितना 24, और यहाँ से करेंगे तो कितना बोलिए, यहाँ से 23 46, कितना का अंतर है, कितना का अंतर है 9 4 13, 9 का अंतर है, 9 में कितना वही बढ़ा हुआ है ना, 9 कितना बढ़ा हुआ है, तो 9 बढ़ा हुआ है, 9 घटा हुआ है, तो 9 जोड़ा 9 मान तो 1 में कितना एक आम। तो क्वेश्चन कह रहा था कि तदनंतर वो संख्या बताइए, तो संख्या बताना है, तो एक वो संख्या कौन सा हो गया, 1 जोड़ा 1 आम 1 आम, तो 33 जोड़ा कितना 33। आप अगर मेरा एज का टोटल वीडियो देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन को पूरा 100% समझ पाएंगे। तो यहाँ से 1 जोड़ा में 1 आम, तो 55 जोड़ा में कितना 55, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप 67 इसको क्या कीजिए, छाटिए, झटपट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा था 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का रेशियो दिया हुआ है 6:7:8 और दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 14, तो कह रहा है कि c का मान कितना होगा, क्या निकल यहाँ से a प्लस इसको बनाते हैं, देखिए a प्लस बी, b प्लस कौन सा c और c प्लस a, इसका टोटल कितना दिया हुआ है 6:7:8, तो यहाँ से 6 ले लेते हैं, यहाँ से 6 यहाँ से एक से ले लीजिए चाहे वाई चाहे से, यहाँ से 6 क्या ले लेंगे वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 वाई, यहाँ से कितना 7 वाई और यहाँ से कितना 8 वाई। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ से दो कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, क्या क्या सी कॉमन है, तो दो कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 8 7 कितना 15 15 6 21 वाई, ठीक है। अब बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया था कितना दिया था 14 दिया है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 14 दिया है, तो 14 यहाँ से इसका मान कितना रखेंगे यहाँ यही ना 14 तो निकल कितना हो जाएगा 28 कुछ कर लो कितना 21 वाई, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 7 3 का 21 और 7 4 28 कितना हो जाएगा 4/3 वाई, वाई का मान आ गया ना 4/3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि C का मान बताइए, तो यहाँ से चलते हैं C का मान, तो C का मान कैसे निकलेगा, C का मान कह रहा है कितना होगा, तो C का मान पहले निकालते हैं A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी यहाँ से A प्लस बी प्लस सी आप फिर घटा देंगे किसके मान से, तो C का मान A और B के घटा देंगे, तो यहाँ से A माइनस क्या करेंगे A प्लस यहाँ से है ना, तो यहाँ से घटाएंगे तो A प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 है, माइनस कितना हो जाएगा ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी 6 वाई का, तो 6 गुना y का मान कितना 4/3, 3 से कटेंगे तो 3 4 4 8 8 हो जाएगा ये, तो 14 - 8 इज इक्वल टू कितना, ठीक है। देख रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, तो आप इसको झटपट छापिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंतजार कराइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4/3 था, तो कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश किया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया, लड़कियां ने 30 प्रवेश किया, लड़का ने कह रहे कितना हट गया पता नहीं, लेकिन वो क्या कह रहे कितना 7:6, तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी, तो पहले आपको बता रहे हैं कि पहले विद्यार्थी वाई है ना, पहले आपका वाई है, इसके बाद गर्ल है,
टोटल बॉय और गर्ल कितना थे उस विद्यालय में? 1554 टाइम का रेशियो कितना था? 4:1 थे। तो इनका टोटल कितना है? 4 × 3 = 7 कितना? 1554। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया? 7 × 14 = 14 और यहाँ से 24, यहाँ से कितना हो गया? 7 × 14 = 14 एक में कितना? 14 × 2 = 22। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 × 8 यहाँ से करेंगे तो 3 × 6 लड़कों की संख्या कितना? 888 और लड़कों की संख्या 666। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं, y प्लस कर y कितना है भाई? 888 और बटा कर कितना है? 666। अब कह रहे हैं कि 30 लड़कियां ने प्रवेश की, तो लड़कियां की रेशियो नीचे है ना, तो 30 लड़कियां प्रवेश की, कितना लड़के निकल गए वो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, अब कितना लड़के निकल गए लेकिन रेशियो मालूम है, कितना हो रहा है? 7:6। यहाँ से रेशियो 7:6 हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ब्रश फ्रंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका 6 का आ जाएगा 53/28। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 53/28 आ जाता है। अब फिर माइनस कितना? 6 = 2। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना? 690 हो जाएगा। 690 में और ऊपर है क्वेश्चन करेंगे 690 में 7 से गुणा कीजिएगा तो कितना? 4872 आता है। अब बताइए यहाँ से भाग करेंगे, ये मान लेते हैं कि ये -6s है, इसको टू इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? तो आपका माइनस हो जा रहा है 456। 400 कितना? 56। तो माइनस माइनस काट दिए और 6 को काट देंगे तो x के वैल्यू 6 को काटेंगे, 6 से कितना? 42 और 3 × 9 = 36 कितना? x के वैल्यू 76। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों को क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या कितना? तो 76। आपका आंसर नंबर 1 था। अरे कि लड़कों छोड़े विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितना? तो आपका 76। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और उनका महत्तम संवर्तक दिया हुआ है 15, दोनों संख्याएं का योग। पहले तो संख्या निकाला जाए, आपको एलसीएम पेंसियम में मेरा ज्यादातर कंसेप्ट पढ़िएगा, एलसीएम पेंसियम जब एलसीएम पेंसियम पढ़िएगा तो उसमें संख्या निकालने के लिए बताया गया है, जैसे कि एक संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या निकालने के लिए वही आदमी है। यहाँ से क्या करना है? संख्या निकालना है, तो संख्या निकालना है तो एक होता है एच ए और दूसरा होता है एच, तो एच की वैल्यू कितना है बंधु? एज का वैल्यू 15, तो एज का वैल्यू कितना? 15 और गुना कितना? 3। एक वैल्यू कितना है? अरे पहली संख्या कितना है? 3। तो संख्या 3 ही नहीं होता है ना, संख्या बड़ा मात्रा में होता है। तो एज में 3 से गुना किया और फिर एज में 20 है, एज कितना है? 4। तो 15 के कितना? 45 और 15 = 14। और अगर दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, इन दोनों संख्याओं का अंतर 45 और 60 कितना? 6 = 14। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पदों में जुड़ना जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के अनुपात में हो जाता है, 5:6 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, कौन सी पद जोड़ा जाए? तो यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2:5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्या जोड़ा जाए कि 5:8 हो जाए, तो यहाँ से अंतर होना चाहिए ना, क्या जोड़ने के लिए रेशियो है तो इसको अंतर एज के जैसा बना रहे इसको, तो यहाँ से पहले 2 था 5 हो गया, पहले 5 था कितना, कितना का अंतर है? 3 का अंतर है ना। यहाँ से देखिए ना, कुछ 5:2 2:5 = 5 तो यहाँ तक कांस्टेंट आना चाहिए ना, क्या जोड़ा जाए तो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं है तो इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं भाई? तो नीचे वाला में से घटा कर 12 में से छोटा घटा कर, तो 6 में 5 गया ऊपर लिख गुना कर देंगे, आप 12 में से ऊपर वाला से घटा कर 5 में से 2 गया नीचे घटा देंगे। अब बताइए कि 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना? 2 और
पांच में एक गुणा करेंगे तो कितना पांच, और पांच दी है कितना पंद्रह, और कितना हो जाएगा छत्तीस दी अठारह। कह रहा है कि अब अंतर के कौन सा वही संख्या जोड़ना पड़ रहा है, कौन सी संख्या इसमें जोड़ना पड़ रहा है कि रेशियो कितना हो जाए, तो यहाँ से कितना तेरह और यहाँ से कितना तेरह, तो कौन सी संख्या जोड़ना पड़ रहा है, तो तेरह ऐसी संख्या है ना कि तेरह हर टर्म में जोड़ना जाएगा ना, तो रेशियो क्या बढ़ जाएगा ना कि पंद्रह अनुपात अठारह हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करके इसको बनाया, बैलेंस पहले ही होता है तो इसको अंतर कर देते हैं। ठीक है, तेरह ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नाइन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात चार अनुपात पांच है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना है, चार अनुपात पांच है, ये ए है और ये बी है, इनका चार अनुपात कितना है पांच है, इनके वर्गों का अंतर जैसे ही वर्ग कहेगा ना, तो यहाँ पे एक्स लगा दिए और यहाँ पे एक्स लगा दिए, चाहे यहाँ पे क्या लगा दीजिए ना, मेरे हिसाब से एक छोड़ दीजिए, के लगा दीजिए, तो यहाँ पे तो इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का तो वर्ग क्या होता है गुणा होता है, तो यहाँ से पहले वर्ग किया जाए, तो यहाँ इसको वर्ग कीजिएगा, फिर इसको वर्ग कीजिएगा, तो कितना चर्चा होगा 16 ए स्क्वायर अनुपात 25 ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनके वर्गों का अंतर, तो अंतर क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो इसका अंतर कितना 25 माइनस 16 कितना, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ऐसी का अंतर कितना है 81 है ना, 9 से काटेंगे 9 है 81, के स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये के हटेगा, ये के हटेगा तो क्या होगा रूट 9, यही ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा के का रेशियो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 3। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान बताइए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, पहले तो ए का मान क्या हो जाएगा चर्चा होगा 16, केवल ये मान हो जाएगा आपका ए का, तो चार गुना के तो चार गुना के चौथी है 12, आपका आंसर कितना 12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक गुणांक एक बटा टू अनुपात दो गुणांक दो बटा तीन के अनुपात में है, जब इसमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाता है, तो ये एक गुणांक दो बटे तीन और दो गुणांक एक बटा दो के अनुपात में हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या। तो कह रहा है क्वेश्चन की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले आपका दिया हुआ है पहली संख्या एक गुणांक एक बटा टू, एक गुणांक एक बटा टू इसका मतलब कितना हो जाएगा दो बटा, एक गुणांक एक बटा टू का मतलब कितना होता है दो गुणा एक, दो दो एक तीन, तीन बटा कितना, पहली संख्या कितना तीन बटा दो। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरा है तीन गुणी का दो गुणांक दो बटा तीन, तो तीन गुणी के छः 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 दो आठ बटा कितना आठ बटा। अब इसका अनुपात बताइए कि इसको क्या करेंगे, अनुपात को ऊपर ऊपर कटा दिया जाता है, नीचे नीचे कटा दिया, लेकिन तिरछा तिरछी गुना होता है अनुपात में, तो यहाँ से तीन तीन कम तीन, तो यहाँ पे कितना होगा तीन का नौ आठ का कितना सोलह, तो सोलह ए अनुपात बी छोड़ कितना नौ अनुपात सोलह। आगे फिर दिया है कि कह रहे कि प्रत्येक में क्या कर दिया है पंद्रह बढ़ा दिया जाए, तो कितना हो जाता है एक गुना की बटा दो, इसका मतलब कि तीन तीन गुना एक तीन तीन आ दो पाँच पाँच बटा तीन, यहाँ से पाँच बटा तीन, यहाँ से पाँच बटा तीन। अब आगे कह रहा है फिर कह रहा है क्वेश्चन कि दो गुणा एक बटा दो, तो दो दो चार पाँच, पाँच बटा कितना पाँच बटा दो, यहाँ से ऊपर ऊपर काट दिए, कटने वाला होगा तो कटा देंगे, तो ये दो ऊपर गया ना गुणा करने, तो एक में दो से गुणा कर दो, यहाँ से एक में दो से गुणा करेंगे तो दो अनुपात कितना दो अनुपात कितना, या तीन उधर गया तो तीन अनुपात दो अनुपात तीन। अब चलिए आपका रेशियो क्या था, वहाँ फर्स्ट में नौ अनुपात सोलह, फिर कितना हो गया दो अनुपात तीन। क्वेश्चन कह रहा था कि पंद्रह बढ़ा देंगे, रेशियो मेरे पहले कितना था नौ अनुपात सोलह, क्वेश्चन कह रहा था कि पहले मेरा अनुपात नौ अनुपात सोलह था, आज कह रहे कि पंद्रह हॉल में पंद्रह जोड़ देंगे, तो क्या आपका रेशियो छोटा हो जाएगा कि बढ़ हो जाएगा, बोलिए तो बढ़ हो जाएगा, तो यहाँ से बढ़ क्या देख रहे क्या मिस्टेक छोट हो जा रहा है, तो इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस भैया करेंगे कैसे,
बाइनेंस कैसे करेंगे, तो नीचे वाला में से घटा कर ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाला में से घटा कर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 9 एकम कितना हो जाएगा 9 और 16 एकम 16, यहाँ से 9 7 दूनी कितना 14 और 17 21। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना का अंतर है, कांस्टेंट है कि नहीं, 9 और 5, 9 5 कितना 14 और 16 5 कितना 21, कितना का अंतर 5 अपन 5 और तो कौन कर रहा है, वो 15 छोड़ रहे हैं नहीं बंधु, एक में कितना तीन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अरे भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले वाला निकालेंगे जो बड़ा घटा उसमें नहीं ना, तो बड़ी संख्या यही ना है, आपका बड़ी संख्या कौन सी है, तो यही आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से बड़ी संख्या कहाँ हो जाएगा, देखिए बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा ये, तो एक में एक जोड़ा में तीन आम, तो 16 जोड़ा में 16 दिया 45। ठीक है बच्चों, तो आप क्लियर पूर्वक समझ पाए, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप